दिने रामकृष्ण परमहंस को शिष्य मैंने पचारे कले गुरुदेव ए आमिषाशी और निरामिषाशी भितर पार्थक्य कौन टे कहतु रामकृष्ण परमहंस कले कले हे शिष्य मैंने तुम्हें तीन चार्टा कुकुर नहीं आस एवं चारिपाँचटा गाई गोर नहीं आस आज्ञा शिष्य मैंने गाई गोर और कुकुर नहीं आसिले कहे कुकुर मान गोटे घरे पुरई दियो एवं ये गाई मान गोटे घरे पुरई दियो एवं कुकुर मान खाइबाई जिते खाद्य दरकार जिते मंस दरकार कुंडे से भर्ती कर रखिदि एवं गाई गोर मान खाइबा पेट पूरवाई जिते नड़ा छबर दरकार तुम गोटे घरे पुरई दि आज्ञा शिष्य मैंने से बाहुताला देदे तो अं आर दिन शिष्य मैंने पचारे कहे गुरुदेव आपड़ कहीं तो पार्थक्य आम कहले ना गुरुजी कहे चलतु आज्ञा देखा जो घरे आज्ञा गोरु गाई मैंने से घर टी जो गुरुदेव खोली देले देखिले समस्त गोरु मैंने नड़ा छबर खाई आराम से पाकुड़ी करुँचा कुकुर मैंने जो घर थे से घर टी खोल बेले देखिले आज्ञा मंस कुंड जाक सेमती थुआ जाए कौ कुकुर मुह तादे बाचिनी कहार नाक खंडिया कहार कान खंडिया कहार मुंड खंडिया कहार नाज खंडिया ये भाई निज निज भितर आज्ञा खंडिया खबर आई रामकृष्ण परमहंस कहे शिष्य मैंने एथर देख ल तो ये आमिषाशी निरामिषाशी भितर पार्थक्य कौन तेणु कलीजुगर अभक्ष भक्षण करने द्वारा लोक मान भितर कुचार प्रवेश कर समस्ते नरदान तुल्य हो जाए गोस्वामी तुलसीदास मत कलीजुग के बोल कि मनो जा नहीं मान तो कब अनुजात नो जा नहीं तो सविचार न शीतल था सब जाति को जाति भय मागता श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की बोले कलीजुग मनीष को एपरी विचलित करपर कि नही मान तक बहु अनुजात अनुजा भाई भौणी को मानवे ना बाप झी को दृष्टि देखिए महापुरुष भाषा कहे विप्र चांदाली दे करती भाई भौणी रे बपीरती भाई ए दोही तांको रमी बेजे पियर दोही तांको ए खोड़े ही पुतोरा करी बेघर खोड़े ही पुतोरा करी बेघर ए सासो जो आई करो थी बे प्रीति सासो जो आई करो थी बे प्रीति ए माने बोलाई बेटी सती बेस्या माने बोला बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की हे सज्जन वृंद महापुरुष उक्ति अप्रिय हेले मध्य सत्य अटे आज समाज रे ये बड़े उदाहरण आउ अभाव नाही सुता संगे प्रीति पियर करीबे बराबर भंडो थीबे सावित्री व्रत जे घरे घरे जन के सती नथिबे जय जगन्नाथ जय महापुरुष कहले हे रामचंद्र कली युगरे घरे घरे नारी माने सावित्री व्रत पालन करिवे किंतु सतीत्वर अभाव रहिबो पुणी कहउचंती ग्रामे ग्राम दिय अपूजा रहिबे वृंदावती फिंगी देबे मणीष तयारी करिछंती परा कथा कहिब कि केबे जय जगन्नाथ जय बोल महापुरुष अच्युतानंद जी की बोले कली युगरे लोक माने ग्रामर दिय देवता को पूजा करिवे नाही एपरिकी वृंदावती की मध्य फिंगी देवे हे रामचंद्र पुणी कौन कहले कहे ताही तापरारे संसार पूरीबो टोकाए मारिबे ताली देउळ दुआरे कंटा भाड़ पोति बोलिबे न गड़ा माली जय जगन्नाथ जय कहे हे रामचंद्र कलीजुगरे जेउटी सत्संग हेउथिबो
युवक मैंने सेठिकी जीवा को मन बल कह पूजा उपासना करवा दरकार ना माली गढ़ा दरकार ना सत्संग जगह को जीवा दरकार ना मठ मंदिर जीवा दरकार ना बर तास खेल लाभ अच्छी ना क्रिकेट खेल लाभ अच्छी हे सज्जन मंडली गोटे कथा अच्छी कह जुग तो हो पगल करकेट दुर्नीतिर छका चौकारे बल पड़ी खाली धात रेकट धात रेकट बोल आनंद कन्न भगवान कि पुणी कली जुगर नारी चरित्र अवतारण करने को जाई अच्युत कहते कूल स्त्री माने करो थीबे वेश्याव्रोती कूल स्त्री माने करो थीबे वेश्याव्रोती डेढ़ सुर भाई बो करीबे पीरती डेढ़ सुर भाई करीबे पीरती सासु मान को बोजे न मानी बेजान सासु मान को बो न मानी बेजान कटु कथा कही करो थीबे निमान कटु कथा कही करो थीबे निमान पुत्र को कहिले पुत्र करने न सुनिबे पुत्र को कहिले पुत्र करने न सुनिबे काम मते माती तांको किछि न कहिबे काम मते माती तांको किछि न कहिबे बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की एही समय रे सासु मान को बहु माने मानिबे नाही अर्थात सासु ससुर सेवा बहु माने त्याग करिबे ये कथा जदि मां पुओ को कहे तेबे स्त्री आसक्ति पुत्र सब शुणी न शुणिला पर आज्ञा हे कारण कली युगर समस्त स्त्री बोलकरा ही शशुर घर पोषा कुकुर पर जाने व्यंगे कहले कह शशुर चा सरबत बापा बसी मेला कर दात माँ गोड़पिंडी बाप कुर्मपिटी कूल बधु आसी धरे चाबिकाटी तेणु स्वामी मैने सब बेले स्त्री मान को डरबे गोस्वामी तुलसीदास कहले बोले गो भाई दुक्का कुत्ता पाले उसकी बछड़ा भूखा साले को उत्तम खिलाए बाप न पाए रुखा घर की बाहुरी प्रीत न पाए चीत चोराए दासी धन्य कली युग तेरी तमाशा दुख लागे और हसी आज्ञा आपण माने कली युग देखिबे गायर बाछुरी टिके खीर पाउन किंतु घरे घरे कली युग आज्ञा डोबरमैन आलसीसीआन कुकुर पाला हेबे आज्ञा मालिक जेतेबेले कुकुर को बाहर को नहीं जाउथियो बुलिया पई आपण जानिछन्ती कोन हुए सकाळ मालिक आज्ञा चालुथिबो आगे आगे कुकुर चालीथिबो कुकुर मालिक को टाणीथिबो मालिक ता पछे पछे टणा हई चालुथिबो तेणु हे भाई माने ये कली युग में आम जानी पारना से किए क्या टाणुची ये मालिक कुकुर को बुलाई नौची ना कुकुर मालिक को बुलाया को नौ जना पड़े ना ओल आनंद कंद भगवान कि तेणु स्वामी माने सब बेले स्त्री मान डरबे एपरिक स्त्री उचिष्ट भक्षण करिबे माड खाइबा दुर्लभ नुहे कहले उचिष्ट भुंजाई कटुक्ति भाषे स्वामी को मारे मड़परा करी कहे न पुषक छाड़ छाड़ जय जगन्नाथ जय बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की तेणु लोक चरित्र खराब हेले पापर भारा वृद्धि हेबो पृथ्वी शस्य गोपन करिबो एवं बन्या बात्या आदि प्राकृतिक विपर्जय मारी आसिबो एवं प्रकृति रे विपरीत प्रतिक्रिया देखा देबो महापुरुष कहुचंती दिवसे श्रृगाळ राब करुथिब दिवसे पड़िब तारा दिवसे पड़िब तारा चौदिगत ही धूम्रा वर्ण हेब दस गुण हेब खरा दस गुण काल चक्र रही सुने फेरुथिब ग्राम मान नाश हेब ग्राम मान सात खंड ग्राम खंडिए होइबो निष्ठा वचन मो होर निष्ठा वचन बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष उक्ति अक्षर अक्षर आज सत्यर अनुभूत हो सारी
एवं एथुरु अनेक सत्य होइछि एवं आहुरी निकट भविष्य घटिबार अछि। महापुरुष कहुचंती घोर कली काल थय न रहिब प्राणी हेबे कोआ भोआ पूर्व समुद्ररु लवण उठिब कंपिब प्राणी कहिया कंपिब प्राणी कहिया रे मानस कंपिब प्राणी कहिया रे मानस कंपिब प्राणी आगे क्रोशिकारी विनाश होइबे तदंते धनिक लोक राजसेवायत तापरे मरिबे पड़िबती मड़क पड़िबती मड़क रे मानस पड़िबती मड़क महापुरुष कहले हे रामचंद्र थरे नुहे समुद्र थर थर करी तीन थर वाड़ी आसिबो कहले बाईसी पावो छे मीन खेलुतिबो सिंहासन रे मरुण मक्का मदीना रे युद्ध आरंभिब मरिबे विधर्मी गण मरिबे विधर्मी गण रे मानस मरिबे विधर्मी गण मरिबे विधर्मी गण रे मानस मरिबे विधर्मी बड़ बड़ तर उपुरी पड़ब न रहीब घर चाड़ा कूल को लंघीन आसीब जे माड़ी उजाणी सागर जल उजाणी सागर जल रे मानस उजाणी सागर जल उजाणी सागर बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की विगत 1999 मसीहा महावात्या यार एक ज्वलंत प्रमाण अटे ताहाकु मध्य महापुरुष कहिथिले तिनि नभंक समीरा संयोग बृहस्पति संध्या काले शुक्रवार राति पंचमी जे तिथि संदेह न कर हेले संदेह न कर हेले रे मानस संदेह न कर हेले संदेह न कर हेले रे मानस संदेह न कर हेले तीन नव अंक अर्थात एक रे तीन गोटी न रखिले 1999 हेबो बृहस्पति संध्या अर्थात गुरुवार रात्रि रो बात्या संगठित होई शुक्रवार रात्रि पर्यंत ही घटितला। खाली एतिक नुहे आहुरी भयंकर भविष्य आमको अपेक्षा कर रही छी तेणु महापुरुषंकर एही उक्ति आग को एते विस्तारित भावे वर्णित जे ताहा बयान करिबा अति दुसाध्य अटे तेणु केतक मात्र नमूना देवाको ये अकिंचन बाध्य होची कहले मेष को वृष संगते मिसाइब मिथुन रे प्रकाशिन सप्तर्षि मंडल डाहाण रे लेखी न कह मोर गुण जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ए मीन शनि गुरु बार रे पड़िब एही अंके ध्रुव ध्रुव मिथुन मास रे 13 दिन पके काल धरणी ग्रासिब जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की हे सज्जन कले तर की थिबु ते रखो 14-15 लागिब हुंदर सत उपजिब सतर को 18-19 थर थरु थोकाए बंचिबे मरु मरु
कोड़िए आसी घर करू। हे सज्जन मंडली, प्रति मासरे दुईट पक्ष पड़े, गोटे शुक्ल पक्ष एवं अन्यटि कृष्ण पक्ष, एवं प्रति पक्ष हूँ 15 दिन। तेणु आपण जितेबाला देखिए 13 दिन में गोटे पक्ष पड़ी मीनशनी भोग होते जानवे जे कि प्रलय मान घटिज आज्ञा। ये 13 दिनिया पक्ष पड़ी केतबाड़े ना राम रावण युद्धे कुरुपांडव समय कहे राम रावण युद्ध समय 13 दिनिया पक्ष पड़ी मीनशनी भोग होता एवं कुरुपांडव युद्ध समय महाभारत युद्ध समय मीनशनी भोग हो 13 दिनिया पक्ष पड़ी 1982 मसीह मीनशनी भोग हो 13 दिनिया पक्ष पड़ी। रामचंद्र को कहते अच्युतानंद कले हे रामचंद्र आउ आगामी समय कलीजुगर शेष समय जिते 13 दिनिया पक्ष पड़ी मीनशनी भोग हेबो सेते कलीजुगर किसी विपात घटिज कौन कहले कहे ओडिशा देश रे जल बिंब हेब आद्य प्रांत मध्य काले पाण पठाण जे चाउल बांटिबे एक कथा होइब हेले जय जगन्नाथ हेला हेला बोली मोही उछुड़ीब हेला रे काटिबे दिन हरि भाव रस केही न जानिबे कर्मकांड हे बोली न जय जगन्नाथ जय बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। हे सज्जन मंडली, महापुरुष ठार बुझा अति अगम्य। मेष हेले राशि चक्रर प्रथम बा एक, वृष हेले दुई, मिथुन प्रकाश कले हेब 33, सप्तर्षि मंडल अर्थात से 7 मिसेले 40 अंक हेब। तेणु हे सज्जन मंडली, आपण मैंने देखिए महाराजा दिव्य सिंह देवंकर 40 अंक ठार ये ओडिशा पक्षर कलीर विपात बेसी जोर घटू। खाली ओडिशा नुहे, आपण मैंने अतीतर घटी जा एशिया महादेश रे सुनामी, पाकिस्तान रे भूमिकंप, ओडिशा रे बन्या, ये बड़ी महा विभीषिकामय समय दे आमे गति करि सारिछि एवं आहुरी मध्य अनेक स्थान रे होवार अछि। महापुरुष ताहाकु प्रमाण करिया को दे कहउछंती कले घर मानंकरे मोढ़ा पोरी जीव तोड़ी न पारिबे केही स्वान श्रृगाळंक देव सभा हेब नयने देखिबो तोई जय जगन्नाथ निज प्राण घेनी सर्वे पढ़ाइबे चिन्ना अचिन्ना नवारी माता पिता सुत सुता न लोड़ीबे पढ़ाइबे स्थान छाड़ी जय जगन्नाथ जय ए कुटुंब मानंक राव शून्य हेब गोदुम गगन छुई ए जीवा आसीबारे पत्थर दिएब कहे अच्युत निठाई जय जगन्नाथ जय बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। कले यही परी महाविनाश मान सृष्टि हेब एवं असंख्य लोक मरिबे कले खाली एतिक नुहे आग को आहुरी भयंकर भविष्य से आम लिखी जाइंट कहले बाण ऋतुरे बिंश अंक जे प्रमाण सात दिन अंधकार होण मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्र देवास अंधकार होटी मर्त्य मंडल अंधकार होटी अंधकार होटी कले यही समय रे 7 दिन अंधार हेब एवं भय भी डाक देव कहले से दिन बीरजा आस्थान छाड़े भीम सिंह नाद हेब गर्भस्थित शिशु भूमि पड़े भुवनेश्वर को जीव जय जगन्नाथ जय तही तीन रड़ी निठाई मारे सारा छाड़े गादी सिंह दरबारे अर्ण लोट पाट लगी भक्त आदि जय जगन्नाथ ए भुवनेश्वर रे भैरवी डाकिब निशा अधरे रहीण बासुआ बड़द उभा होइथिब एक पादरे नृतीण जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज विभिन्न स्थान रे जे भूमिकंप मान सृष्टि हेउची तार एकमात्र कारण पाप वृद्धि चरा आउ किछि नै। महापुरुष कहउचंती कले पाताले वासु की टेकिबो मुंड पाताले वासु की टेकिबो मुंड ए तीनि थर जे कंपिबो ब्रह्मांड तीनि थर जे कंपिबो ब्रह्मांड ए रात्र रे सुन्ने सुभिबो गर्जन रात्र रे ए अकस्मात रड़ी होई बपूर्ण ए से रड़ी सोनी मनुष्य मरीबे ए थोकाए जे पोणी काला होईबे ए एते एते कथा होइले जान ए कड़ी से सबोली निसे प्रमाण कड़ी ए कड़ी से सबोली निसे प्रमाण बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। अच्युत कहले हे रामचंद्र यही सब भयंकर विपद पाई केवल मनीष मान ही दायी अटंती केवल मनीष मान ही दायी अटंती ये सब तांकर कृतकर्म रही फल कहिले आपणा हस्त रे जुहा को छेदिले प्रतिद्वंदी के नाही प्रतिद्वंदी के नाही सुकर्म को कर्म विचारी परिले पाद पद में लीन होई पाद पद में बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। रामचंद्र कहले प्रभु ये घोर कली शेष महाप्रलय हेबो सेथिरु के माने रक्षा पाइबे ना समस्ते मरिजिबे। महापुरुष अच्युत हसी हसी कहले हे राम बन्या बात्या महामारी आकार रे जोगिनी माने नरसंहार आरंभ कर देबे कहिले मोर मोर कहि समस्ते मरिबे अच्युतर कि सगला चेतिला पुरुष चेतारे बिहरे बिहंता पुरुष मला जय जगन्नाथ जय बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। महापुरुष कहिले हे रामचंद्र क्षणभंगुर संसार को माया जड़ित दृश्यमान पदार्थ को मोर बोली कही जो माने आसक्ति रे बस हेबे सेई माने ही विलास पथर यात्री हेबे। जो माने चेतनशील गुरुपाद रे आश्रित होई गुरुमंत्र ओ गुरुपाद पद्म रे आत्मनिवेदन करिबे केवल सेई माने ही जोगिनी मुखरु रक्षा पाइबे। महापुरुष कहले हे रामचंद्र बास्तरी घंटा जुग गले ब्रह्मांकर मात्र घड़ी हुए यही परी सहे वर्ष गले गोटिए ब्रह्मांकर आयुष पूरे यही परी सहे ब्रह्मानास गले गोटिए विष्णु प्रलय बा महाप्रलय हुए तेणु प्रत्येक गंडाए बा चारि युग शेषे महाप्रलय हुए ना ये खंड प्रलय मात्र तेणु यही खंड प्रलय म्लेच्छ माने संहार हो दुष्कृत विनाश हो पापी माने विनाश हो सत्यर अंकुरण हुए तेणु क्यों माने बंचिबे तुम्हें जान कि कले उत्तरे साजीव दक्षिणे गाजीव पूर्वे न रहिबे केही झाड़ जंगल रहिबे कूल को बिहन से जय जगन्नाथ जय हे सज्जन मंडली यार अंतर्निहित अर्थ हेउची झाड़ जंगल रे ऋषि मुनि माने ही रहंती तेणु जो माने ऋषि मुनि स्तर रो जीवन यापन करिवे हरिनाम ओ हरिपाद पद्म को आश्रय करिवे एवं नित्य गायत्री जप करिवे सेई माने ही जोगिनी मुखर रक्षा पाइबे। महापुरुष कहउचंदी हे रामचंद्र गायत्री सावित्री हरिनाम को जे कहिबो छाड़ हेबो ताहाकु तेणु भय करिवार किछि नाही नित्य गायत्री जप कर हरिपाद रे आत्मनिवेदन कर उपासना कर तेबे जाई कल्की विनाश लीला रक्षा पाइब। महापुरुष अच्युतानंद शेषे कहते कहे हे शिष्य रामदास ये कली युग तुम गोटे जिनस दरकार कौन ना घोर कलिकार निश्चय पड़ब हरियाश्रे कर श्रीकृष्ण पाद रे लय रखी करे न पशिव चोर करे न पशिव बोली आनंद कंद भगवान की। रामचंद्र कहले गुरुदेव ये कली युगर तो लोक मान द्वारा ध्यान धारणा संभव नुहे तेणु भक्ति किपरी हेबो भक्ति नहले भगवान कृपा पाइबा संभव हेबो किपरी
महापुरुष कहले हे राम ये कली युगरे नाम ही सार अटंती नाम ही आदि नाम ही अनादि अटंती ए सत्यतार प्रमाण देबा को जाई कहउचंती नाम ब्रह्म अटे अति बढ़ियार ता सानिध्य लाभ कर ता सानिध्य लाभ श्री कृष्ण पाद रे लय रखिथिले सदगुरु पादे आश्रय तु कले कहिबे भेद विचार कहिबे भेद विचार बोली आनंद कन्द भगवान की जो महापुरुष भवरोग निर्णय कले से पुणी भवरोग औषधि प्रदान करी कहउचंती कली युग रे नाम ही सार अटंती नाम ही सार अटंती एई सत्यता को कहिबा को जाई से कहउचंती कले नाम रे हो आश्रित निराकार निरजन अच्युत केत कि पोल आश्रय कर नाम तत्व केत कि पोल आश्रय कर नाम केत कि पोल आश्रय कर नाम बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की तेरु नाम और आश्रय कले जीवन सुधरी जाए सदविचार आसे पापी मत संथरे परिणत हुए ईश्वर प्रत्यक्ष न होले भी तांकर नाम प्रत्यक्ष अटे गोस्वामी तुलसीदास मतरे नाम उदार अमित खल वेद विदित गुणगाथ तेणु हे कलिहत मानव माने आदि थारु एही मुहूर्तरु नाम को प्रेम कर नाम को आश्रय कर एवं नाम आश्रित हो जाओ तो आसतु आज यही मुहूर्त आम नाम संकीर्तन कर हे सज्जन मंडली आम भितर कलिकलुषण आस हो जाऊ आम भितर काम कर तो लोभ मोहर विनाश हो जाऊ मोल आनंद कंद भगवान की हरि हरि घोष पाप ताप नाश शरण सरोज पादे शरण सरोज ये तो बड़ी भाव आउ न मिलीब न मिलंती हरि बेदे न मिलंती हरि बेदे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हे केशव माधव गोविंद बोल केशव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हे केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव हे केशव माधव गोविंद बोल केशव हे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हे केशव माधव गोविंद बोल केशव हे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि हरि बोल 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 आनंद कंद भगवान की क्यावर रामचंद्र जी की भीमस्या पीरणे भंगो मुनिरपी मति भ्रम जदि शुद्धम शुद्धवा मम दोष न विद्यते ओम शांति शांति शांति।